टिके तुम्हारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, अब बातचीत के अलावा कोई और रास्ता तो है नहीं, बातचीत तो करनी पड़ेगी और सरकार तैयार नहीं। हम कौन तैयार नहीं, क्यों देश को बेवकूफ बना रहे सारे चैनल मिलकर, पूरी भारत सरकार मिलकर। हम तो बातचीत को तैयार हैं। नहीं, मैंने ये कहा नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आप, मैं ये कह रही हूँ कि बातचीत से समाधान निकलेगा, सरकार तैयार नहीं है। अर्जुन मुंडा कह रहे हैं कि जिस हिसाब से कानूनी गारंटी की मांग हो रही है, ऐसे तो हम निर्णय नहीं ले सकते, तो फिर ये पेच सुलझेगा कैसे? और सुलझेगा भी कहाँ, जल्दी होगी? सुलझेगा, अगली सरकार आ जाएगी, वो सुलझा लेंगे। अभी जल्दी किसे है? देखो, किसान न तो वापसी जाएगा और ना किसान को जल्दी है। अभी तो एक ही जगह तो आंदोलन है, अभी एक ही जगह तो देखा है, अभी और दो जगह और शुरू हो जाएगा, चार जगह हो जाएगा, दस जगह शुरू हो जाएगा, बीस जगह हो जाएगा, बैरिकेडिंग कहाँ लगाओगे? ऐसा थोड़ा है कि दिल्ली में ही आंदोलन होगा कि जब ही वो होगा। आंदोलन तो अपना गांव और अपनी सड़क, गांव गांव में आंदोलन हो जाएगा, कहाँ लगाएंगे बैरिकेडिंग? आंदोलन तो विचारधारा से शुरू होता है, आंदोलन का कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं होता, आंदोलन विचारधारा से शुरू होता है। हमने किसानों से, उनसे बात करो, आप जो कमेटी है उनकी बात का मतलब ये नहीं कि सरकार ने बैठकर टेबल पर बात कर ली और समाधान निकल गया। ये झुंझुना तो थमा रखा था, मैं कितने साल हो लिए ये झुंझुना थमा रखा, बेर बेर आके सड़क पे बैठ जाए किसान। अच्छा, फिर से सड़क पर बैठना भी छोड़ दे क्या? देश को आजादी में 90 वर्ष लगे थे, इसमें टाइम लगेगा भी, अभी इतना जल्दी थोड़ा हो जाएगा। नहीं तो सरकार सरकार जो सरकार की सरकार जिस जिद पे है वो क्यों है, अगर आपके हिसाब से जिद कर रही है सरकार? हिसाब जिद ये कर रही है, अगर ये सरकार बीजेपी की होती तो वह जरूर बातचीत करती। ये सरकार बड़े उद्योगपतियों की है, उद्योगपतियों का एक गैंग है पूंजीवाद, जो पूंजीपति इकट्ठा हो गया और उन्हें एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, ये तो उनकी है। कौन सी सरकार नहीं होती पूंजीपतियों की बताओ, कांग्रेस ने लागू कर दिया था। ये लागू नहीं करा तो चली गई, उनकी क्या बात करे जब यही नहीं भाई, उन्होंने लागू नहीं करा, इन्होंने कहा कि हम आपका साथ देंगे, एमएसपी गारंटी कानून भी देंगे और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट भी लाओगे, या सरकार जाने दो, हम आएंगे तो इसको लागू कर देंगे। कांग्रेस तो चली गई, इसने नहीं दिया। तम तो 2022 से पहले आंदोलन करके भी कह रहे थे, जब आंदोलन करा अब सरकार जागी, कहां सरकार चली गई, यूपी में फिर दोबारा आ गई। हाँ, आ जान दो, अभी तो और आएगा, अभी तो आपका भी तो इलाज होगा सबका। इस देश का अभी 8 साल और इलाज होगा। और 32 के बाद में फिर पब्लिकली आंदोलन शुरू होंगे, अभी कहाँ होगा, अभी तो आप देखियो। 8 साल और कुछ, अभी तो बोलने की। हाँ, जैसे चल रहा है होगा, चंडीगढ़ में देखा इलेक्शन का क्या हुआ, दिखाओ ना उसको, हाईलाइट करो अपने चैनल पे, चंडीगढ़ में क्या हुआ। ऐसे ही इलेक्शन होते हैं क्या? ऐसे ही इलेक्शन भी देश में होंगे, और जब देश की सरकार राजा ये कह रहा है कि हम जीत रहे 400 आएंगे, तो फिर क्यों इलेक्शन करवा रहे, क्यों खर्चा कर रहे? एक रिन्यूअल का पार्लियामेंट में एक वो ले आओ कि भाई सरकार को रिन्यूअल भी कर सकते हैं। तो राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि ये सरकार के खिलाफ आंदोलन 2024 की तस्वीर बदलेगा, ऐसा कह रहे हैं आप? हमने नहीं कहा कि बदलेगा, हमने कहा कि हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे, हमने नहीं कहा कि बदलेगा वो करेगा, हम अपनी आवाज उठाएंगे। ना ये किसान डरेगा, ना ये किसान वापसी जाएगा, जो किसान सिंगू बॉर्डर पर बैठा हुआ है वो किसान वापसी भी नहीं जाएगा, किसान हार के देश का वापसी नहीं जाएगा, ये भी हम गारंटी दे उनको। से बैठना तो पड़ो 2 साल, लेकिन किसान घर वापसी हार के नहीं जाएगा। एमएसपी की गारंटी, एमएसपी की जो गारंटी राकेश टिकैत मांग रहे हैं किसानों के लिए, वो मिलती दिख रही है आपको? अभी क्या होता है, अपनी बात कहने का हमारा हक है और पूरा देश का किसान अपनी बात कहता रहेगा।